ये बर्तन पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। लड़के की डिलीवरी के लिए भेजा था, लग रहा है लहंगे पहना के आएगा। आजकल के लड़कों को समय और काम की कोई कीमत ना है, बात कर रहे हैं बेकार की, निकल गए कोई पता ही ना है। पापा गुड मॉर्निंग, क्यों इतना चिचिया रहे हो? एनीवे ये जीजाजी सुबह सुबह कहाँ निकल लिए? अरे वही तो, मेरी हालत कोई सेठ जैसी ना है, मेरी हालत तो नौकर से भी बदतर हो रखी है, पता नहीं कब आएंगे बर्तन जी। पापा पंचम, अरे मेरे गलत बोलने से तेरे टेस्ट में नंबर ना कमाने वाले, बात कर रही तू भी बेकार की है। ये बता तू स्कूल क्यों ना गई? स्कूल में पुताई हो रही ना पापा, क्या करूँ अभी। अच्छा तेरे स्कूल में पुताई हो रही है, पिछले हफ्ते पता नहीं क्या चल रहा था, अब तू कह देगी मेरे स्कूल की तो अभी बिल्डिंग ही तैयार ना हुई है। अभी तो अपने मैदान में ऐसी बात करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं। अरे आइए बहन जी आइए, क्या दिखा दूं? बस थोड़ी सी दया। दया? आप देखिए बहन जी, दया नाम का लहंगा तो कोई भी ना है मेरी दुकान में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं मंगवा दूंगा। क्या नाम बताया? हाँ क्या क्या नाम बताया आपने लहंगे का? सेठ जी मैं लहंगे के सपने कहाँ से देखूं, बस दो वक्त की रोटी मिल जाए। अरे गलत जगह में आ गई आप, आपको रोटी चाहिए? अरे तो आगे जाइए, ये बाएं मुड़िए, वहां पे एक ढाबा है, आपको बढ़िया गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, दाल भी मिलेगी और पनीर भी मिलेगा, मक्खन वाला मैं बता रहा हूँ, जाओ आप। सेठ जी हाँ, बात रोटी की नहीं, सर पर छत भी तो चाहिए। अरे छत क्या, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा कमरा मिलेगा, अच्छे अच्छे होटल है चांदनी चौक में। सेठ जी हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया, कोई भी नहीं बचा। आप तो बच गई जी। मेरा मतलब है भगवान ने आपको बचा लिया। सेठ जी बस अब तो मुझे मेहनत करके पेट भरना है, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। बहन जी मेरे पास कोई काम ना है। नहीं नहीं मेरा मतलब है काम तो है, लेकिन आपके लिए कोई काम ना है। भगवान ने आपको इतना दिया है और देगा, इस दुखियारी की थोड़ी सी मदद कर दे, भगवान आपको दुगना देगा। नहीं नहीं देखिए बहन जी, क्या है कि मैंने अपनी दुकान में पहले ही एक लड़का जो है रख रखा है, वो जो है आधे दिन काम करता है और पूरे दिन की जो है तनख्वाह जो है डकार जाता है, समझ रही हैं आप, इसलिए मेरे पास दान करने के लिए और हिम्मत ना है। आप एक काम करो, कहीं और जाओ, दूसरी जगह पे, वहां काम मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाओ तो। पापा आप इनसे कैसे कह सकते हैं सब, देखो ना बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। पर तू बार-बार कुछ नहीं पापा, तो फिर तेरा, आप कल से हमारे घर पे खाना बनाने आएंगी, ठीक है? हाँ। अरे यार देखो पापा मम्मी जो है ना उन्हें थोड़ा आराम दो, कैसे पापा है? और आप तनख्वाह की बात मेरे पापा से कर लीजिएगा, ओके? ठीक है। देखिए बहन जी, भगवान तेरा भला करे, तुम बहुत अच्छे अंक लेके पास हो, अपने माँ और बाप दोनों का नाम खूब रोशन करो। पापा थैंक यू। पिंटू सुन बे, आप हमारा मतलब है बुबू, बाहर आओ, देखो हम क्या लाए हैं। अबे क्या ले आया? अरे मैं समझ गया तू समोसा ले आया भाई, समोसा। अबे कहाँ है समोसा, समोसा कहाँ है? टेलीस्कोप लेके आया हूँ चांद सितारे देखने के लिए, समोसे समोसे बोली जा रहा है। चांद सितारे देखने के लिए? अबे अबे तू चांद सितारे देखेगा साले, तुझे वो कढ़ाई ना दिख रही, वो पड़ी है सूखी है, जिसमें न पनीर बना न महीनों से कोई सब्जी बनी है। बे धीरे बोल चुड़ैल, तू जाके कहीं पे भी कैसे भी। अरे धीरे कैसे बोलूं साले, सूखी कढ़ाई पड़ी, तू फालतू की चीज खरीद लाया, सब्जी ना ला सकता। अबे सुन तो ले यार, खरीद के नहीं लाया हूं, रद्दी वाले ने फ्री में दिया, लेके आ गया, तुझे पता है ना बचपन से मुझे शौक रहा है चांद सितारे देखने का, मूड खराब कर देता है। अच्छा अच्छा बहुत खराब कर रहा है, फ्री का है यार।
फ्री का है तो देख। अबे चुप रह, मुझे सेट करने दे। सेट कर। अबे सुनना। बोलना। ए यार ये तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ अंधेरा सा दिख रहा। अबे सुन। अरे यार ढक्कन है तू। अबे ये ढक्कन हटाए मतलब घूंघट हटाएगा तभी तो चांद दिखेगा। हाँ हाँ ठीक है रुक जा देखने दे। हाँ दिखा। अब दिख रहा भाई, क्या दिख रहा है, सूरज आ गया, सूरज चांद सितारे सब दिख रहे हैं। हाँ यार और वो भी फ्री में, सही चीज मिल गई भाई। ये देख क्या बात है, क्या बात है यार, लैसी जी आप, लैसी जी आप बोल रही है। हमें हमें तो पता था, बड़ा अच्छा 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 जोक मारा आपने, मजाक अच्छा था। अच्छा हाँ हमें पता था। कर क्या रहा है? अरे कुछ ना कर रहा है, अब पृथ्वी पे दाल गलीना है तो दूसरा ग्रह ढूंढ रहा है झंडे गाड़ने के लिए। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि वो क्या ना गुगु को ना बचपन से ही चांद तारे देखने का शौक था तो वही देख रहे हैं चांद तारे। हाउ रोमांटिक है ना इलू। इलू चांद सितारों वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चीजा जी जी वैसे आप मुझे क्या दिखाएंगे, चांद या फिर तारे? एलाइची जी आप तो दिन में लोगों को तारे दिखाई देती हैं, तो हम आपको चांद दिखाएंगे। ओके जी एक सेकंड, जी एक सेकंड सेट कर दें हम। हाँ हाँ ये आइए ये। चांद देखा अभी। लैसी जी हमने भी अरे लैसी जी हाँ आपने देख लिया तो हट जाइए, हम अपनी सुनीता जी को भी हाँ मेरा मतलब कि हम और सुनीता जी भी चांद तारे देख लेते है ना। हाँ आओ आओ आप जो देख रहे पहले आप देखो। अच्छा पहले हम देखते। अब आप देखो। ओह माय गॉड वो क्या है? क्या वो क्या कहाँ क्या है देखे। अरे यार पिंटू भाभी ऊपर है, ऊपर ओ तेरी, ये तो भाई बहुत बड़ा मोटा मुटकंदा से कोई तारा टूटा है। इलायची जी इतना बड़ा तारा तो कभी टूटते देखा ही नहीं हमने, कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? नहीं नहीं इतना बड़ा तारा है जो टूट रहा है तो इसका मतलब विश भी बहुत बड़ी पूरी होगी, तो सोचो प्रे करते हैं फिर ठीक है। हाँ सही कह रही हैं आप, मांग लेते मांग लेते। हाँ मांग लो ना, चुप कर जाओ। बस बस इतना काफी है इलायची जी, हमारी प्रार्थना बाकी थोड़ी लंबी होती है हमारी। हाँ हमारी भी बची, हमारी बहुत लंबी। ओह चुप। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लाइची जी हम प्रार्थना कर रहे हैं ना प्लीज। करो करो। अरे सो लग रहा है सो गई। कोई बात ना, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते बाहर जाते, लेकिन चल कोई बात ना तू सो गई तो सो भैया, क्या करना है। कब चलना है? कब जाना है लाइजी के पापा? अभी निकलने हैं। मैं क्या सोच रहा था सुन, मैं क्या सोच रहा था कि लाइजी के जब हाथ पीले हो जाए मतलब लाइजी की जब विदाई हो जाए ना तब मैं और तू जो है कश्मीर घूमने निकल जाते हैं, वहां गुलमर्ग की वादियों में जो है बर्फीली वादियों में रोमांटिक गाने गाएंगे ठीक है, और वहां जो है मैं बर्फ के गोले जो है खींच खींच कर तुझे मारूंगा और तूने बड़े प्यार से मुंह में लेती रही हो। नहीं लड़की के पापा वहां तो बहुत ठंड होती है। अरे तो तेरी मोटी चबड़ी कब काम आएगी, इतनी सारी परतें तो लगी हैं तो ठंड ना लगेगी।
मैं भाग ही फूट गया। नहीं लाइजी के पापा, हम ना पोहा जाएंगे। पोहा? अरे नाम में से तो खाना निकाल दे, उसे गोवा कहते हैं, गोवा। आज वो मैंने नाम याद रखने के लिए पोहा जोड़ दिया था। सुनो ना, हम पोहा जाएंगे, वहाँ ना बहुत सारे समंदर होते हैं और समंदर के किनारे बहुत सारा रेत होता है, तो मैं ना उस रेत पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर बनाऊंगी और है ना पानी में छपाके भी लगाऊंगी। हाँ अरे ऐसा मत करियो, पानी में भारी चीजें डूब जाती है। इलायची के पापा, तुम फिर से मेरा वजन तोलने लगे, मैं तो भाग ही फूट गया। अच्छा मैं तुझे सच्ची बात बताऊं, तू जो है बेकार में अपना मुंह चढ़ा लेती है। अरे तू तो मेरी गोलू मोरू परी है, जहाँ कहेगी वहां चलेंगे। अरे तू बोल दो कहाँ चल रहा है, वहीं ले चलो। इलायची के पापा, सच्ची? हाँ तू बोल दो। ठीक है। अरे ये न्यूज पढ़ने वाला रो क्यों रहा है? अभी अभी आई ताजा खबर के अनुसार अमेरिकन रिसर्च स्पेस फाउंडेशन से ये कंफर्म हो गया है कि धूमकेतु यम नाम का एक धूमकेतु हमारी धरती से टकराने वाला है। उसके बाद होगी तबाही तबाही, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। सारे के सारे वैज्ञानिक इस चीज में जुड़े हुए हैं कि ये धूमकेतु हमारी धरती से कब तक टकराने वाला है। और ये जानने के लिए कि आपके पास कितनी सांसें बची है, देखते रहिए शूटर न्यूज। मंगीलाल, बोल बोल बोल, तूने वो जो पिंकी जी ने टमाटर रखे थे ड्रॉर में, वो तूने लिए? किसने लिए? कहाँ गए वो? बोल बोल जल्दी। कसम से साहब जी, मैंने नहीं चुराया है, मैंने तो आपका नमक खाया है साहब। अच्छा बेटा, तूने पिंकी जी का नमक खाया था पहले सिर्फ, अब तू टमाटर में नमक लगा के टमाटर भी खा गया। सर वो तमाशा छोड़िए, ये तो देखिए क्या दिखा रहे। किधर? पूरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धूमकेतु यम पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकल चुका है। जैसे ही वो पृथ्वी से टकराएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरी सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने अपने अरमान पूरा कर ले। जैसे कि किसी के साथ प्यार करना हो या किसी दुश्मन से नीची दुश्मनी निकालनी हो, जिस कमीने ने तुम्हें जिंदगी भर तंग किया, उसे छोड़ना मत, खत्म कर दो, क्योंकि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। ये मौका हाथ से जाने न पाए। देखते रहिए, खुल के देखो न्यूज। हाँ जोड़ ले गुरुजी के। जय हो बेटा छोटे, गुरुजी को तूने दुकान में जगह दी है ना, अब तू देखियो हमारे गुरुजी की कृपा तुझ पे कैसी बरसती है। और बेटा तो तेरी शक्ल पे दिख रहा है साफ साफ, बेटा तू कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ये कह रहा हूँ मैं गारंटी से। अब कोई गारंटी काम नहीं आएगी, क्योंकि धूम केतु यम पृथ्वी से टकराने के लिए अंतरिक्ष से निकल चुका है। अब तो होगी सिर्फ तबाही, दुनिया खत्म होने से पहले रेडियो लाल मिर्ची लग गई की ये आखिरी खबर। अलविदा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। रुक साला! अबे 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 जगह हो रही है। क्या? आंटी जी, मेरी ना आखिरी इच्छा है कि मैं वो धूमकेतु के साथ ना टकराने वाली सेल्फी लूं, पर मैं जानती हूँ सेल्फी से पहले ना धूमकेतु ने हमारी सेल्फी ले लेनी है। मैंने सुनू, ये सेल्फी छोड़ बेटा,
अब तो हमारे जाने के बाद हमारी फोटो पे हार चढ़ाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे तो भाग फूट गए। करूँ, अब तो मेरा भी मन कर रहा है अपने भाग फोड़ने का। अरे ये धूम केतु तो धूम मचा के चला जाएगा, मेरे सपने सब कुमारे रह जाएंगे। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, घोड़ी पे बिना चढ़े ही मर जाऊंगा। अरे घोड़े पे कैसे चढ़ जाऊंगा तू है? और मर जाऊंगा का क्या मतलब है पिंटू? वो आंटी जी, दरअसल बूबू का कहने का मतलब ये है कि वो कभी घोड़ी पे बैठी नहीं है, इसलिए वो अपना घोड़ी पे बैठने की इच्छा जाहिर कर रही थी। क्यों बूबू? हाँ बिल्कुल, ये यही कर रही थी। और वो करूंगा मरूंगा वो ऐसे सदमे में निकल गया है ना बूबू। सॉरी बूबू। ये नाम कितना डरावना है ना, यम धूम केतु। इनो यार, कितने अरमान थे हमारे कि जवानी में कितने गुल खिलाएंगे। मेरा मतलब है लाइफ, लाइफ को एंजॉय करेंगे। पर ये धूम केतु ने आके ना टकरा के सब कुछ खत्म कर देना। सुनो देख, हमने जिंदगी ना अपनी शर्तों पे जी है, मतलब इतनी सारी मस्ती की, किसी भी नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ कुछ प्लान थे जो पाइपलाइन में रह गए, लेकिन अब जो धूमकेतु की मर्जी। पापा, ऐसे धूमकेतु कब तक टकराएगा? वैज्ञानिक जो है कह रहे हैं कि तारीख अभी तय होगी, लेकिन होगा इसी महीने ही। मतलब बहुत कम टाइम है सुनो। अरे बेटा इलायची, मैंने सोचा था कि तेरे हाथ पीले करने के बाद ना मैं और करू भारत भ्रमण पे निकल जाएंगे। मैंने हमेशा इसके अरमानों को दबाया, पता है ये जब भी मुझसे कहती थी कि मुझे कश्मीर ले चलो, तो मैं फ्रिज में से बर्फ का टुकड़ा निकाल के इसकी हथेली पे रख देता। बेटा आज मैं दुनिया का अपने आप को सबसे गरीब आदमी महसूस कर रहा हूँ। आए आए कुछ चीजें हैं जो ऐसों के बल से हो सकती हैं, जैसे हमारी करोड़पति बनने की ख्वाहिश। जीजा एक बार बताना बिल्कुल सही, हमें जिंदगी भर तुमने हमें पैसों के लिए रुलाया है, कम से कम जाते जाते तो एक अच्छा काम करते जा, हमारे माथे से 100 पति का लेबल हटा के 1 करोड़ पति बना दे हमें। अरे कम से कम मरते मरते एक काम तो अच्छा करता जा जलील आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। ये क्या? तेल है, तेल, तेल का आ गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सालर लोग, अबे हाँ जाने दे। चल फिर के, अब कोई फायदा नहीं। करू धूम केतु। मेरे तो भाग ही फूट गए। बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। सोडियम और हीलियम। यार कितने क्यूट नाम है, मैं उनकी मासी होती। यार इन्हें नाइट्रोजन और मैं तो ना बस एक दूसरे की चोटियां ही बनाते रह गए, अब दूसरी में खर्च हो गए। नो मालूम है, मैं तो ना मतलब जीजा जी की मुझसे लव यू सुनने के लिए तरस गई, सुन भी नहीं पाई। और देखना कि तो सब
सपना था कि ऐसे हाथ पकड़ के कॉफी शॉप में बैठूंगी जीजी के साथ, कॉफी पियेंगे हम लोग, और सोचा था हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। यार ये लो मेहंदी तो ना पिंटू भाभी लगाया करती थी मेरे हाथों में, सोचा था उनके नाम की हल्दी भी चढ़ेगी एक दिन। ये लो रोने वाली सेल्फी। मत ले सेल्फी। अरे यार जिंदगी ने लो बैटरी का इशारा कर दिया यो, और पता नहीं ये धूमकेतु कहां हमारे सर पे आके गिर जाए। लाइफ में डंटे हो रखे हैं। क्या हो गया? साला धूमकेतु। साला को हमारे पृथ्वी मिली थी टकराने को। अरे कहीं टकरा लेता, चांद से टकरा लेता, सूरज से टकरा लेता, तारों से टकरा लेता, यही मिले थे पृथ्वी टकराने को। तुम क्या तू? तेरी ताले बंद। तुझे टकराने आए तो हमसे टकरा, ताले चूर चूर कर दूंगा तुझे। तू हंस रहा? तुझे सदमा बैठ गया? तू डर गया? तुम क्या तू से? मैं नहीं डरता। ठीक है तेरी तुम क्या तू? सारे अगर सच में धूमकेतु की वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली है तो मुझे जीजा जी से बोलना ही होगा कि वो आए और मेरे पापा से मेरा हाथ मांगे बस।